नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से की मुलाकात। प्रदेश में फूड एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का दिया गया प्रस्ताव। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। और नगर की यातायात व्यवस्था की जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। निवेशकों से मुलाकात के अपने नियमित क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 उद्यमियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने वालों में स्टार एग्रीवेयर हाउसिंग एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित मुंडावाला, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष अभिनव सूर्यवंशी और प्रतिनिधिमंडल, मेसर्स ग्रेसिम के प्रेसिडेंट दिनेश शुक्ला, मेसर्स एचईजी के चेयरमैन रवि झुंझुनवाला, मेसर्स एसर पावर के डायरेक्टर केवीबी रेड्डी और सीआईआई के अध्यक्ष संजय किलोस्कर और प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। सालों के लंबे इंतजार के बाद विंध्यवासियों को सफेद शेरनी विंध्या के रूप में अपनी धरोहर वापस मिल गई। इस तरह विंध्य की पहचान और गौरव की ऐतिहासिक वापसी हो गई। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में समारोह पूर्वक ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विंध्यवासियों और अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर सह उपचार केंद्र मुकुंदपुर में सफेद बाघिन के पहुंचने पर सफेद शेरनी और अन्य प्राणियों की विधिवत पूजा अर्चना के साथ अगवानी की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने 13 नवंबर से हो रहे 3 दिवसीय दतिया महोत्सव की तैयारियां देखी। स्थानीय स्टेडियम में होने वाले इस महोत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकार प्रस्तुति देंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने स्टेडियम पहुंचकर मंच निर्माण, दर्शक बैठक व्यवस्था, पार्किंग और अन्य इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर दतिया जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। और प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया प्रवास के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दतिया विकासखंड के बड़ौन कला में पहुंचने पर ग्रामीण जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने वहां पर 6,23,000 की लागत से बनने वाली सीसी सड़क एवं 4,50,000 की लागत से बनी आंगनवाड़ी केंद्र का विधिवत लोकार्पण किया। उन्होंने बड़ौन कला में सीसी सड़क एवं आंगनवाड़ी बन जाने की ग्रामवासियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि ग्राम के सरपंच राजा सिंह दीप बुंदेला द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में आप सभी की भागीदारी जरूरी है, जिससे गांव का और अधिक विकास हो सके, और ग्रामवासियों को दीपावली की बधाई भी दी। किसी दुखी मन की पीड़ा को समझ लेना ही मानवता है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने सच्चे अर्थों में खुद को पीड़ितों की सेवा से जोड़ा है। यह संस्था पूरे समाज को प्रेरणा देने का काम कर रही है। सेवा स्वयं सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। पीड़ितों की सेवा और उनसे आत्मीय जुड़ाव ही आदमी को इंसान बनाता है। इस आशय के उद्गार मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता ने व्यक्त किए। गुप्ता मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहा में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा मंदसौर द्वारा नवनिर्मित फिजियोथेरेपी सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। तो एमपी लाइव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।